तुम्हारे सर के जागो हाँ हैदराबाद में देखी तो देवल कुमार को टोपी छुपा डाले को कर डाली इल्जाम पूरे मुसलमान को पर आया अल्लाह के नबी की तरबियत क्या कर दो माँ बाप की खदर करना बुजुर्गों की इज्जत देना ये तमाम चीजा हमारा इस्लाम हमारा दीन हमारा सिखाको है। ये बच्चा तो माँ बाप ही मर्गी करो बोलता है जिंदे माँ बाप टीमेलोका और एक बात बोलते ही इनों देखिन तो बात करिए तो मुट्ठी बिंगी कर को जिहाद करते हैं जिहाद कर क्या वो तुम्हारे अंदर है तो शैतान को मानना जिहाद है हैरान को जाओ मानना हैरान को गालियां भरना हिंदू और मुसलमान आएंगे लड़ा लगाना जिहाद है। ये तमाम चीज़ ऐसे तौबा तो भी कर लो नहीं तो उसको ऊपर दस्तखत कर हुआ तिमलों का हमें लोग मुसलमान नहीं भाई हमें कौन से मस्जिद हम इधर है हमें जाते नहीं कर पाते मैं अनोज करता हुआ तुम्हारा रास्ता तुम्हें चल जाओ हमें तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती क्या करते रहेंगे तुम्हें खुला तब से बात कर रिश्ते हमको तब से खुला बात कर रिश्ते हमको तुम लोग क्या कर बोले भाई हमें मुसलमान है नहीं भाई तो कौन की खबीस के ऊपर उसे मानते ही हमें करो खुला बोली थे अब खबीस को मानने वाला मुसलमान नहीं नबी को मानने वाला मुसलमान तुम लोग मुसलमान का भेज डाल ले तो मुसलमान के लिबास में एक आलिमान के सरकार दाड़िया टोपिया छुपे डाल ले तो तुम्हारा साथी क्या करे हैदराबाद में जाको देवल को जाओ लाता से हाथा से मार को ये कर डाले लेकिन तकलीफ पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं सो मुसलमान के ऊपर तकलीफ पाको है। ये चीज़ तुम लोग करते ही दहशत गर्दी फैलाते ही तुम्हें मुसलमान को बदनाम करते ही साथ ही साथ गैर मजहब वाले को मुसलमान को नले सरकार करते ही कहीं कहो तुम्हें मुसलमान नहीं तुम्हें गैर भी नहीं हदर बीच के तुम लोग हदर बीच के काम करते ही तुम्हारे लोग से सारे मुसलमान के नहीं पूरे जगह ही सो मुसलमान में आगा हला उन लोग का तुम्हारे लोग तुम्हारे लोग की हरकत उन लोग का मालूम होगा उसके बाद से वो करते ही हम लोग नहीं करो तुम लोग जो करते ही सो गलत कर को तौबा कर ले को तुम्हें बोले तो अल्लाह मालिक माफ करने वाले के साथ अल्लाह है गलती करी तुम्हें गलती करी गलती की तौबा तुम्हें कल्ली कर समझ लो बेशक अल्लाह सत्तर मोहब्बत रखने वाला तुम्हारी गलती को भी अल्लाह कबूल करता गया करना नहीं करना अल्लाह की मर्जी लेकिन तुम्हें तौबा कर ले को सही दिन सही रास्ते पर चलते ही के नहीं तो तुम्हें गुमराह ही के रास्ते में भटक जाओ कौन की भेजते हैं चार रुपए पैसे ले ले को ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनको बहना को उन लोग के हाथ से हिंदू और मुसलमानों ने लेने का हरकत अंतिम करी तो हमें हर किस खबर दे रही हमारी जिंदगी बर्बाद होगी तो तुम्हारे मनसूबे को कामयाब होने देते रही क्या भाई बोलो क्या की बोलो तुम्हें भी मानते हिंदू तुम्हें भी समाज है तुम्हें मुसलमान का लिबास पहन ले तुम्हें पिन्ह नहीं तुम्हें मुसलमान नहीं तू रे तू भी मुसलमान एक्टिंग आले भाई सभी लाल है काटते भाई हमें लोग मुसलमाना नहीं हमें लोग कौन की गंजड़ है जना के शकील इब्ने हनीफ कहते हमें पैगंबर के सर का मानते हैं क्या हमें अल्लाह के नबी को मान को चलते ले हमें मुसलमान नहीं उनको लिख डाले इन लोग सभा से कौन से भी मस्जिद के अंदर नमाज को कराई तो मस्जिद के तमाम मुसलमान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को मस्जिद के अंदर दाखिला देना ना कोई एक खुदा ना खास्ता हयात मौत अल्लाह के हाथ में घंटा अव्वल हमें भेजा घंटे बाद कौन भी भेजा हमें जिंदा हो या मर जाओ अगर इन लोग मर जाओ इन लोग का जनाजा
मुसलमान है कि कौन से कब्रस्तान में आया तो भी उनके जनाजे को मैयत को अलाउ करना ना को ये इन लोगों को कौन से भी मुसलमान है कि क्या है मुसलमान है कि कौन से कार्य आया थे भी इन लोगों को बुलाना ना कहीं को बुलाना ना को करना ना को इन लोग इस्लाम के लिबास में हको अल्लाह के नबी के दीन को बदनाम करने का काम करते हैं और अल्लाह के नबी को बदनाम करने का काम करते हैं। कितने की बुजुर्ग आले दीन देवबंद के आलिमा बरेलवी के आलिमा अहले हदीस के आलिमा जमात इस्लाम के आलिमा उनके तन मन धन उनके सारे खानदान को कुर्बान करता हमको उनकी जवानी उनकी जिंदगी गुप्ता को हिंदुस्तान के अंदर ईमान को मुकम्मल रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज के रोज 40-45 करोड़ मुसलमान हैं तो देवबंद के आलिमा की पहला शय उन लोग जाता कई को करो तबलीग का काम उन लोग खाना पानी छोड़ को पैदल चपला नहीं सका जा को जो रोज में ये खुद खाना खा को तीन खुद फाके हको अल्लाह की नबी की बात है बत्ते कुर्बानियां कर को हर खरिये में हर जरिए में उन्हें पहुंचा को दीन की अच्छाई दीन की सच्चाई नबी और अल्लाह की तारीफ हर एक जने को सुना को दीन की तरफ मुकम्मल करिए। इन लोग दीन के लिबास में हको दीवक का काम करते हैं। इन लोग क्या क्या करते हैं कहो मुसलमान भटकाते हुए कहाँ से कि बाहर से उन आते सफाई से पूरे और नौजवान आम को देखो भटका दान को उनका ईमान से बेदखल करा को इन लोगों के गिरोह में जमा लेते हैं। एक तरफ मुसलमान को बदनाम करते हैं सेम टाइम गैर मजहब वाले जाको उन लोगों के खिलाफ इन लोग कार्रवाई आकर को बेहुदा काम आकर को अरे मुसलमान अब उन लोग जाको क्या की करता लिए किसके ऊपर आता मुसलमान के ऊपर आता अब उन लोग इब्न बिन शकील को मानते हैं अल्लाह के नबी को मानते हैं किसे मानते हैं कौन से जमात से ताल्लुक आते हैं तो किसे भी मालूम होता है उनका चेहरा देखते ही मुसलमान करा कर को पूरे मुसलमान के ऊपर ये इल्जाम आते हैं। उसके बाद से इन लोग पूछी हमें पहले इस्लामी तरीके से हमारे पूरे बुजुर्ग आलिमा को रख ले को पूछी तोबा कर ले सच्ची तोबा कर ले कर को हमें सच्ची तोबा करते नहीं हमें जो बोली हमें वो बात को मुकम्मल ये हमें किसे की गुरकाटी को हमें इसके असर का शकील गुरकाटी का देश उसे हमें मानते ही कर बोल हुआ उन लोग बोल ली। उसके बाद से क्या करो इन लोगों को मुसलमान को कौन से रकम का संबंध नहीं सोदर लारा ఎవరైతే ఇక్కడ ముగ్గురు కూర్చొని ఉన్నారో వీళ్ళ ముఖాలతో ముస్లింలలాగా కనబడుతున్నారో కానీ వీళ్ళు ఏదైతే ఇస్లాం ఫండమెంటల్ ఉందో మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వీళ్ళు అతనికి ప్రవక్తలాగా నమ్మమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరో ఇబ్నె బిన్ షకీల్ అనే ఒక వ్యక్తి వీళ్ళ ప్రవక్త వీళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళకు ఎవరైనా చూస్తే ముస్లింలే అనుకుంటారు కానీ వీళ్ళకు ఇస్లాంకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు వీళ్ళు మనసు పూర్తిగా రాసిచ్చి సంతకాలు పెట్టి ఇచ్చినారు మా మేము అడిగినాము మా ఆలింలను మా బుజుర్గులను పెట్టుకొని మీ వల్ల తప్పు అయిపోయింది క్షమాపణ కోరుకోండి కరెక్ట్ కాదని అయినా కానీ లేదు మేము మొహమ్మద్ ప్రవక్తను మేము నమ్మము మేము ఇస్లాంని నమ్మము ఇబ్న బిన్ షకీల్ అనే అతనే మాకు ప్రవక్త అంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళ వల్ల ఒక పక్క ముస్లిం సమాజం నాశనం అయిపోతుంది సేమ్ టైం వీళ్ళ ఏదైతే వీళ్ళ గ్యాంగ్ ఉందో దానికి సంబంధించిన వ్యక్తే హైదరాబాద్లో మొన్న జరిగిన దేవస్థానం సంఘటనకు వీళ్ళ గ్యాంగ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి చేసింది. ఇక్కడ నెల్లూరులో కూడా వీళ్ళ వల్ల మత కల్లోలాలు వచ్చే సూచనలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ముందే వీళ్ళకు మీరు చూసి పెట్టుకోండి వీళ్ళు కానీ ఏం చేసినా కానీ అది ముస్లింలకు సంబంధం లేదు వీళ్లకు ఇస్లాం ప్రకారం ఎక్కడ కూడా ముస్లింలు ఎవరు కూడా సహకరించరు దయచేసి మా హిందూ సోదరులు కూడా వీళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వీళ్ళకు వ్యక్తిగతంగా మీరు ఏం చేయాలో చేసుకోండి తప్ప దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇస్లాం ధర్మాన్ని ముస్లింలను చుట్టే ప్రయత్నం చేయకండి. వీళ్ళకి ఎక్కడో విదేశాల నుంచి డబ్బులు తీసుకొని ఇట్లాంటి పసిబిడ్డలను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్నారు మీరిద్దరు చచ్చిపోయారని చెప్తున్నారట బ్రతుకున్న తల్లిదండ్రులకు. ఈ విధంగా పిల్లోళ్ళకు వాళ్ళు ఏదో డ్రగ్స్ పంగ్యాకు ఏదో అలవాట్లు చేసి వాళ్ళ మైండ్ని న్యారో చేసేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది వినేటట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి దయచేసి దీన్ని గమనించాలా వీళ్లకు ముస్లిం సమాజానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఎవరైతే మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి కలుమా చదివి చివరి ప్రవక్త మొహమ్మద్ ప్రవక్త అని గవాయి ఎవరైతే ఇస్తారో అటు వాళ్ళు ఏ జమాత్కి చెందిన వ్యక్తులైనా కానివ్వండి వాళ్ళెవ్వరు కూడా వీళ్లకు ముస్లింల లాగా పరిగణించరు. కాబట్టి వీళ్లకు నెల్లూరులో ఉన్న లేదా భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింలకు లేదా ప్రపంచంలో ఉన్న ముస్లింలకు వీళ్లకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. వీళ్లకు మేము 6 గంటల నుంచి మా ఆలిములు పెద్దలందరూ కూడా ఏ చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఒకే మాట మీద స్టాండ్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇబ్న బిన్ షకీల్ అనే వ్యక్తి వీళ్ళ ప్రవక్త వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి వీళ్లకు ఇస్లాంకు సంబంధం లేదు. అస్సలాము అలైకుమ్. उलमा बहुत दिनों से इसके पीछे फिक्र करते हुए इनको समझाने की कोशिश करें
मोहब्बत से समझाए, प्यार से समझाए। करीब 7 साल इनका बहुत बड़ा, करीब 2000 तक का मजमा नेल्लूर में है। खाली ये तीनों गूगल का आप समझो नो को, इनका 2000 तक का मजमा है। इंशाल्लाह उनके पूरे फहरिस्ता निकाल कर आप लोगों को सबको दे दी और फोटोआ भी आती इंशाल्लाह। कोशिश आप भी करो, हमें भी करके। और तीसरी चीज, इन लोगों की कोशिश क्या है, बाजू खरियों के अंदर नमक ले जाकर वो क्या हो, पिंक सॉल्ट बांटना और आकर गोशा बांटना। अगर ये लोग कोई मुर्गी भी अगर बिस्मिल्ला पढ़कर भी जबा करे तो हराम है, खाना हराम। मुर्दा अगर ये क्यों कर को बोले तो मुर्दत है। काफिर बोलते हैं जो पैदाइशी इस्लाम से खारिज, और मुर्दत किसे बोलते हैं अगर बोले तो मुसलमान होकर काफिर बनना। ये लोग इस्लाम में थे, अभी इन्होंने खुद ऐलान कर दिए हैं कि अब हम इस्लाम से खारिज हैं। तो इस चीज़ें, ये चीज़ का ख्याल आप लोग करो और इन लोगों को याद रखो। और ग्रुप हमें बना को हैं, जब भी जहां भी ये लोग नज़र आती इनके साथ आप बड़ों को इत्तला कर सकते हैं, और उसके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। और मस्जिदों के अंदर भी उन लोग मस्जिद में तो आते नहीं मौलाना, अपनी जगह बना को रखते हैं उसका। और इनके घर में नमाज चलती है, जुमा नमाज नहीं। क्या रोज भाई बोलता हूँ, कल से मस्जिद में घर के अंदर कौन तो भी दिखा नमाज के वास्ते तुम्हारे अलावा, समझ में अच्छा नहीं रहता। फिर ये हमारा मोहल्ला, यहाँ हमारा हक है, और आकर तुम्हें लोग जिस अंदाज से कर रही गुमराह कर रही आदमियों, इसका ख्याल रखो। पूरा लिखो ही तुम्हें, इसके खिलाफ करे कर को बोले तो कानूनी कार्रवाई भी सख्त होती और हमारा रवैया भी सख्त रहता। बोलो तुम नवा बोलो, हमें लोग हमारी मर्जी से उसमें दस्तखत करी कर को बोलो, जरा अल्लाह को बोलो सानी इंटरनेशनल हज उमरा टूर्स एंड ट्रेवल्स। हज उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।